ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ। दोस्तों हमने आप कई सारी वीडियोस ऐसी बनाई जिसमें हमने को बताया कि सावन के महीने भोलेनाथ को क्या अर्पित करना चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं सावन के महीने में कुछ चीज़ों का दान करना आपके लिए होगा इतना लाभकारी कि आपका जीवन ही बदल के रख दिया जाएगा। जी हाँ, और आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। बस उसके लिए आपको करना होगा सावन में कुछ चीज़ों का दान, जो कि हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर भी करें, इससे सभी लोग इस वीडियो में दी गई जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। सावन 2023 की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से हो चुकी है। इस साल का सावन कुल 59 दिनों का होगा। सावन माह भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दौरान शिव की विधि विधान से पूजा का विशेष महत्व है। शिव पूजा के अलावा श्रवण मास में दान को भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए आइए जानते हैं सावन में किन किन चीज़ों का दान करना शुभ होता है। पहली वस्तु है रुद्राक्ष। माना जाता है कि शिवालयों में ब्राह्मणों को रुद्राक्ष दान करने से व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है और ऐश्वर्य में वृद्धि भी होती है। दूसरी वस्तु है सर्प जोड़ी। सावन के महीने में सोने चांदी या फिर रजत धातु के से बनी सांप की जोड़ी दान करने से व्यक्ति के जीवन में धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये बहुत शुभ माना जाता है। तीसरी वस्तु है चांदी के सिक्के। श्रवण मास में 2 चांदी के सिक्के दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रवण मास में आपको जरूरतमंदों को भी दान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति काम करता है उसे अपने जीवन में भविष्य में शुभ फलों की प्राप्ति होती ही होती है। आखिरी कार्य है पौधारोपण। सावन के महीने में शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा, दोनों ही पौधों का पौधारोपण करना भी दान के बराबरी माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सावन में ये चीज़ें यदि आप दान कर पाएँ तो आपके जीवन के सारे वास्तु दोष संकट भोलेनाथ खत्म कर देंगे। यही नहीं, धन के नए नए मार्ग बनेंगे और छोटी मोटी परेशानियां भी सारी समाप्त हो जाएंगी और जीवन में खुशी भी आएंगी। सावन महीने में ये चीज़ें दान करने से अच्छा मौका आपको कभी और नहीं मिलेगा, तो मौका ना गवाएं, ये सब चीज़ें दान करें सावन के महीने में और पाएं भोलेनाथ का आशीर्वाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।